भाइयों और बहनों, कर्नाटका ने अवसरवादी और स्वार्थी गठबंधन की सरकारों का लंबा दौर देखा है। ऐसी सरकारों से कर्नाटका को हमेशा नुकसान हुआ है, इसलिए कर्नाटका के तेज विकास के लिए भाजपा की पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार बहुत जरूरी है। आप बताइए भाइयों, जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो हमारे कर्नाटक का हाल बुरा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब कर्नाटक को मजबूत स्थिर सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? मजबूत बहुमत वाली सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? भाइयों बहनों, अब पहला काम कर्नाटका को ये जोड़ तोड़ की राजनीति से बाहर लाना है, हमारे कर्नाटका को तेज गति से आगे ले जाना है। और इसलिए भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली मजबूत स्थिर सरकार, ये कर्नाटका के लिए आज समय की मांग है। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है। जरा मेरे कर्नाटका के भाई बहन बताइए, क्या कर्नाटका चाहता है कि मैं भी आपकी सेवा करूं? क्या आप चाहते हैं कि मैं भी आपकी सेवा करूं? जरा जोर से जवाब दीजिए, क्या मैं भी आपकी सेवा करूं? जितनी ज्यादा हो सके उतनी सेवा करूं, हर कर्नाटका वासी की सेवा करूं, हर गांव की सेवा करूं। अब मुझे बताइए, अगर मुझे सेवा करनी है, आपके लिए मुझे कुछ करना है, तो मुझे कर्नाटका में भाजपा की मजबूत सरकार चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आप सबको जिता करके लानी चाहिए कि नहीं लानी चाहिए? पक्का लाएंगे, घर घर जाएंगे। भाजपा कर्नाटका को विकसित भारत का ड्राइविंग फोर्स बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस कर्नाटका को नेताओं की तिजोरियां भरने वाले एटीएम के रूप में देखती है। साथियों, कांग्रेस वाले हर चुनाव से पहले झूठी गारंटी की एक पोटली लेकर घूमने लगते हैं। इनकी गारंटियां कैसी होती है, इसका ताजा ताजा उदाहरण हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं। वहां अभी अभी चुनाव हुए थे, उस चुनाव के पहले ये कांग्रेस के लोग ऐसे बड़े बड़े वादे करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, ऐसी बड़ी बड़ी पोटलियां खोल देते थे। उन्होंने वादा किया था रोजगार का, उन्होंने वादा किया था भत्ते का, ये मुफ्ती गारंटियों का पिटारा लेकर गए थे, लोगों को भ्रमित कर रहे थे। कुछ दिन पहले हिमाचल सरकार का बजट आया तो चुनाव के पहले उन्होंने जो गारंटियां दी थी उसका कहीं नामो निशान नहीं दिख रहा है। क्या ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? जोर से बोलिए, ऐसी कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं?
झूठे वादे करने वाली कांग्रेस पे भरोसा कर सकते हैं? क्या ऐसी कांग्रेस को कर्नाटका में पैर रखने की जगह देनी चाहिए? क्या पूरी तरह उनको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? आज हिमाचल की जनता कांग्रेस को बार बार पूछ रही है कि चुनाव के समय जो वादे लेकर के आए थे, जो गारंटियां लेकर के आए थे, अभी तो 3 महीने नहीं हुए, उन गारंटियों का क्या हुआ? ये सब हवा में उड़ गई? कर्नाटका के लोग भी जागते रहे। ये ऐसे ही खेल खेलने वाले के लिए कर्नाटक एक मौका न देना। कांग्रेस ऐसे ही जनता को धोखा देने में माहिर है। साथियों, आज कांग्रेस के पास देश के लिए, कर्नाटका के लिए कोई भी पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। इसलिए कांग्रेस सपना देख रही है। और आपने सुना होगा क्या सपना देख रही है। जो लोग हिंदी समझते हैं उनको बराबर समझ आएगा। मैं बताता हूं कांग्रेस वाले क्या सपना देखते हैं, और कभी कभी पब्लिकली बोलते भी है। कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। देश की जनता का, कर्नाटका की जनता का कमल के खिलने में ही विश्वास है। मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, कमल में समृद्धि का, संपन्नता का, निवेश का, आगे बढ़ने का एक जबरदस्त विश्वास है। दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, और भारत हमारे कर्नाटका की तरफ देख रहा है।